तो मोटोरोला ने मोटो जी 53 5G स्मार्टफोन के बारे में बताया है, जो 15,000 के नीचे सी रेंज में हमको मिलने वाला है। तो देखते हैं कि इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। तो लेट्स स्टार्ट। मोटोरोला चाहता है कि हम भी एक अपना बजट स्मार्टफोन लॉन्च करें, जिसके फीचर्स में 20,000 के स्मार्टफोन के भी नहीं मिलेंगे। इस फोन के कैमरे पे आए तो ड्यूअल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो 50 MP का मेन बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। मोटो जी 53 के डिस्प्ले में हमको 6.5 इंच की स्क्रीन से HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इस फोन की 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, यह इसका प्लस पॉइंट है। प्रोसेसर के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसा बताया कि क्वालकॉम ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक ही मॉडल आया है जिसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी 18W का फास्ट चार्जिंग के साथ। इसमें हमको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और बहुत कुछ होने वाला है। अब बात आती है मोटो जी 53 के प्राइस की। तो इंडिया में इसका प्राइस समथिंग 10,000 से लेकर 13,000 रुपए के बीच हो सकता है। यदि हम 8GB वाला वेरिएंट लेने जाओगे तो 14,000 से 15,000 में मिल जाएगा। अभी अभी मोटो एक्स 40 लॉन्च किया गया है, वो 40,000 प्राइस है, जो 8GB वाला वेरिएंट जो फर्स्ट है। और 12GB लेने जाओगे तो 50,000 के आसपास मिलता है। ये तो बात हो गई मोटो एक्स 40 की। लेकिन हाल ही में बजट में मोटो जी 53 लॉन्च होने वाला है, जो अभी लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी आ जाएगा।